वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है एक स्पेशल डे। जी हाँ, आज एक स्पेशल डे है। ये वो हम दिव्यम से जानते हैं। दिव्यम, जल्दी से बताओ आज कौन सा स्पेशल दिन है। जल्दी से पापा का बर्थडे। आज इनके पापा जी का बर्थडे है। तो अभी फिलहाल हो रखा है दोपहर का टाइम और अभी हमने कुछ भी ऐसा नहीं, मतलब तैयारी नहीं की है, कुछ भी ऐसा नहीं किया है, कुछ प्लानिंग ही नहीं की है, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं, सोचा ही नहीं इस बात। तो अभी फ़िलहाल हस्बैंड है ऑफिस और दिव्यम भी स्कूल से आ चुके हैं, खाना खा चुके हैं। सुबह मैंने मॉर्निंग में पूरी वगैरह सब्जी वगैरह बनाई थी और अभी शाम के लिए क्या कुछ है दिमाग में, कुछ सोचा नहीं है। तो फ़िलहाल कुछ अभी अपनी प्रोग्राम बढ़ाती हूँ मैं, या फिर क्या होता है, क्या प्लान बनाते हैं, वो चीज़ मैं आगे इसी ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तो वेट करिए। तो गाइस, दिव्यम के पापा आ चुके हैं और अभी अभी हमारे सरप्राइज का पोपट हो चुका है। ये दिव्यम जी जो है हमारे, अभी मैंने हब्बी के लिए केक ऑर्डर किया था, केक मंगाया, इसने दिखाने से पहले ही पोपट कर दिया है कि पापा आपके लिए हमने केक मंगाया है। ये सब बता रहता है। बच्चों के साथ में कोई सरप्राइज नहीं होता, बच्चों के साथ तो आप कुछ सरप्राइज प्लान ही नहीं कर सकते, वो पहले ही पोपट कर देते हैं सब कुछ, जैसे कि इन्होंने कर दिया। क्या मंगाया मम्मा ने? केक। क्यों बताया? क्यों बताया? आपका मन कर रहा था। तो अभी हम केक कट करेंगे थोड़ी देर में और बाकी आगे का प्लान देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, हम लोग हो चुके हैं रेडी। जैसे कि दिव्यम बोल रहे थे कि इन्हें हॉस्टल में जाना है, रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो ये हॉस्टल बोल रहे थे। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम तीनों ने वाइट मतलब पहना है, और जो हमारा जो भांडा फूट गया था केक का वो भी वाइट ही है। तो वो अभी हम केक कटिंग कर रहे हैं, केक कट करने के बाद हम लोग निकलेंगे। तो अभी चलिए हम अब केक कट कर लेते हैं। गाइस, अभी हब्बी ने केक तो नहीं देखा है, तो केक जा रहा है उनके पास और हमारा केक ये रहा। बहुत सुंदर केक। चलो अभी मैं फोन पकड़ती हूँ, आप दोनों कट करो। दिव्यम फूंक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा। दिव्यम कैसे बोलेगा? बोल, आप गाओ पापा के लिए गाना गाना। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। ये निकाल देना अभी थोड़ा सा खाना, कान्हा जी का प्लेट में, एक कटोरी में निकाल दो। केक कट हो चुका है और दिव्यम ने अपना खुद ही खा लिया है अभी, और हमने कान्हा जी का अभी निकाल दिया है। और क्योंकि ये मैंने एगलेस केक मंगाया था और अभी हब्बी को मैं खिलाऊंगी। फोन की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे उल्टे हाथ से पकड़ना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे मोटू बोलू मोनू शाह। डिनर करने के लिए और अभी देखते हैं कि हम मतलब दिव्यम क्या ऑर्डर करेंगे, क्योंकि बर्थडे भले ही दिव्यम के पापा का है लेकिन चल दिव्यम के लिए। जा रहे हैं, चलो।
हम पहुंच गए हैं विजयवाड़ा फाइनली हम रेस्टोरेंट के अंदर दिव्यम के हिसाब से हम हॉस्टल में पहुंच गए हैं। मैं कह रहा था तो दिव्यम ने क्या ऑर्डर किया है? मैंने बर्गर ऑर्डर किया है और मैंने डोसा ऑर्डर किया है। तो अभी वो आने वाला है और हम खा के टेस्ट करके बताएंगे। डोसा और मेरा आपको क्या लगा? निकल चुके हैं घर के लिए और काफ़ी अच्छा रहा, हमने अच्छे से इंजॉय किया, दिव्यम ने भी काफ़ी इंजॉय किया। और हमने मतलब डिनर ज़्यादा हैवी नहीं खाया था, मतलब फास्ट फूड वगैरह थोड़ा लिया था क्योंकि हमेशा हम जब भी बाहर जाते हैं तो पनीर और ये दाल मखनी सारी चीज़ें खाते हैं। तो आज हमने कुछ अलग ट्राई किया तो हमें तो मज़ा आया। और हप्पी के बर्थडे की एंडिंग हो गई है आज और अभी हम घर जाके सोने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा देख लो यार। नहीं, बाय करते तो चलो, तो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट फ्लो।